माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल जय जय राधे जय जय श्याम जय 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 श्री वृंदावन धाम जय जय श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम नित्य गौरंग जय नित्य गौरंग नित्य गौरंग जय नित्य गौरंग हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताय की श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदी ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुवन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमावों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम इस्कॉन मंगलोर के सब अधिकारी भक्तों को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ और भगवान के संबंध में कुछ दो शब्द बोलने के लिए मुझे मौका दिया है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मंगलोर मंदिर में शायद 7-8 साल के पहले आया था। मैं वो दूसरे स्थान में छोटा मंदिर था वो, लेकिन अभी भगवान की कृपा से आप लोगों का और बड़ा स्थान मिला है। बहुत खुश समाचार है। भक्त लोगों की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान हरि इस दुनिया में भक्तों को और भी भक्ति करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस तरह आप लोग जितना अपने भक्ति को जारी रखेंगे उतना भगवान प्रभावित होकर और भी ऐसे सुविधाएं प्रदान करेंगे जिससे आपकी भक्ति में और वर्धन होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये 5,000 साल के पहले भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम जब लौट रहे थे उस समय भगवान ने इस भागवत को देखकर गए हो। भगवान की उपस्थिति में इस दुनिया में समृद्धि ही समृद्धि था। युधिष्ठिर महाराज के इस जमाने के बारे में आप पढ़ेंगे भागवत में, आपको पता चलेगा कैसे सही समय पर बारिश बरसती थी और जैसे बगीचों में रंग बिरंगे सुगंधी फूल देखने को मिलते थे, पेड़ों में पके हुए फल प्राप्त होते थे, नदी में पानी भर के आता था, गाय के स्तनों में इतना दूध उबल कर आता था कि नीचे गिरकर दूध का कीचड़ बनता था, ऐसे बताया गया। समुद्र में नवरत्न पैदा होते थे और पति पत्नी सब लोग बच्चों के साथ मिलजुल कर शांति से रहते थे घर में। जो बच्चे होते हैं माता पिता को आदर देते थे। बनिया लोगों ने भी सोचा कि इतना समृद्धि ही समृद्धि है, क्या कुछ बड़ा प्रॉफिट रखकर लोगों को लूटना की क्या जरूरत है, इतना भरपूर दिया है भगवान ने हमको। इस तरह सोचकर वो लोगों ने ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं रखा बिजनेस में। इस तरह सब लोग ऐसे आनंद के माहौल में रहते थे कृष्ण भगवान की उपस्थिति में। कृष्ण के श्री चरण जिधर भी पड़ता था उधर समृद्धि की समृद्धि देखने को मिलता था। जैसे कुंती माने बताती है, इमे जनपदा सुरदाह सुपक्वौषधि वीरुदः वनाद्रि नदी उदन्वन्तो खेदन्ते तव वीक्षितैः। हे कृष्ण, आपके दृष्टिपात जिधर भी पड़ता है उधर हरियाली छा जाती है। जैसे उडुपी में कृष्ण 1 ही घंटे दूर में खड़े हैं, इसके कारण इधर कोंकण एरिया में हरियाली हरियाली है। इस तरह बताती है कुंती महारानी। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि मैं महाभारत लीला रचाने के लिए आया था, हो गया, बाकी सब लीलाएं हो गए, अभी मैं स्वधाम लौट जाऊंगा। इस तरह सोचकर योजना बनाए भगवान ने। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिस्सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को दुनोदितः। ऐसे भागवत में एक श्लोक है। अपने ही स्वधाम जब कृष्ण लौटने लगे इस सारे दुनिया में अंधकार छा गया। कृष्ण की अनुपस्थिति में इस दुनिया में दुनिया का अधोगति हो गया। कैसे पता आपको, भागवत के अंदर ही वर्णन आता है। आसमान में बादल डुबडुब आवाज करता था लेकिन बारिश नहीं करता था, नहीं होता था बारिश। गाय सब इतने पतले हो गए उनका हड्डी दिखता था और सब हरियाली सूख गई थी। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था। जिह्म प्रायं च व्यवहृतम शाट्य कर्मम च सौहृदम पितृमात्र सुहृद भ्रातृ दंपतीनाम च कल्कनम। भागवत में श्लोक है, जिह्म प्रायं व्यवहृतम, ऐसे बताया गया कि षड्यंत्र रचाना, कुटी नाटी करना, धोखाबाजी करना, भाई भाई के बीच में भी झगड़ा होता था और एक दूसरे को धोखा देते थे, ऐसे बताया है। कलयुग के जमाना चालू होने के बाद
और स्त्री और पति पत्नी के बीच में दंपति नाम चकलकनम बताया गया, उनके बीच में भी मनमुटाव होता था ऐसे। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे जमाने में इस तरह क्यों हो गया, कारण क्या है। तब उनको पता चला कि कृष्ण भगवान अपने धाम लौट गए हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं मेरे धाम लौट जाऊंगा तो ये दुनिया में कलयुग का जमाना चालू हो जाएगा, मेरे भक्तों का क्या हाल होगा, मेरे भक्तों की सुरक्षा के लिए कुछ तो व्यवस्था करके जाना चाहिए। इस तरह सोचकर भगवान ने पुराणार को अधुनोदित बताया गया है कि भगवान ने श्रीमद् भागवत को छोड़कर गया। इसलिए जिन जिन लोगों के घर में श्रीमद् भागवत है तो भागवत ही रोशनी को फैलाता है, और भागवत को घर में रख कर फूल भी डालेंगे कोई उससे भी घर में रोशनी छा जाता है, रोशनी की घर की पुण्य बढ़ता है। लेकिन अगर उसको खोल कर कोई पढ़ेगा भागवत को उसे चित्त शुद्ध हो जाएगा उसका। अगर कोई रोज पढ़ेगा भागवत, नित्यम भागवत सेवया, रोज पढ़ने वालों के लिए बड़ा आशीर्वाद है। नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, भागवत रोज पढ़ने वालों के चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। कुंडी के अंतिम काल में उनके घर के बाहर वैकुंठ विमान खड़ा रहेगा उनको वैकुंठ धाम लेके जाने के लिए। ये भागवत पढ़ने वालों को, श्रवण करने वालों के लिए आशीर्वाद है। तो इसलिए भागवत के अंदर ही पढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को भागवत बताया, ये भागवत के बारे में हम भागवत के अंदर ही सुनते हैं और बाकी पुराणों में भी सुनते हैं। तो ये भागवत ग्रंथ कलयुग में खास करके कलयुग के जीवों के लिए दिया गया है। बाकी पुराण में और भागवत में क्या फर्क है, बाकी पुराण आपको सिखाएंगे इस दुनिया में और जीवन को कैसे बेहतर बनाना, लेकिन भागवत सिखाएगा इस दुनिया से हम परलोक पदवी कैसे प्राप्त करें, ये फर्क है। जैसे मान लीजिए कोई जेल में कोई कैदी ठहरा है, उसके नाता रिश्ता आकर पूछते हैं, अरे जेल में कैसा है तुम्हारा वास, अच्छा है क्या? वो बोलता नहीं मच्छर काट रहा है, तो इसके लिए मच्छरदानी दे दिया उसको। क्या अच्छा है क्या जेल में मच्छर, मच्छरदानी दिया। वो बोलता ठंडी बजता ब्लैंकेट दिया, बोलता कि सुबह भी खाने के लिए अच्छा भोजन है, अच्छा भोजन दिया, उससे क्या जेल वास अच्छा होगा उसका? तो ये अच्छा है, नहीं तो जेल से बाहर आने के लिए कोई उपाय बताएगा वो अच्छा है। हाँ बाहर आ, इसे भागवत हमको सिखाता है कि भौतिक दुनिया छोड़कर हम भगवत धाम कैसे लौटे। आशा तो सद गमयम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये मृत्यु रूपी दुनिया को त्याग कर हम अमृतमय दुनिया में कैसे जाना, जिधर बुढ़ापा नहीं, व्याधि नहीं, मृत्यु नहीं, उधर कैसे हम जा सकते हैं, भागवत में सिखाया गया। और इस दुनिया में शरीर अशाश्वत है, तो शाश्वत दुनिया में कैसे हम पहुंच सकते हैं। इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार है, उस दुनिया में रोशनी ही रोशनी है, उधर कैसे हम पहुंच सकते हैं भगवान के धाम में। भूलोक से गोलोक कैसे जाना, वो भागवत में सिखाया गया। इसलिए बुद्धिमान लोगों को भागवत पढ़ना चाहिए। देखिए अलग अलग पुराण बताते हैं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो तो सूर्य के पास जाओ, सूर्य नमस्कार करो और तबीयत अच्छा कर लो। किसी को पढ़ाई नहीं होता तो सरस्वती के पास जाओ। इससे अलग अलग उपाय दिया है अलग अलग पुराणों में, लेकिन ये सब पुराणों को पढ़ने के बावजूद भी लोग इस दुनिया में ही हटक जाएंगे, वो परलोक पद नहीं प्राप्त करेंगे जब तक वो भागवत के आश्रय नहीं लेते हैं। इसलिए भागवत सुनने के लिए अनेक शास्त्र बताते हैं भागवत सुनना चाहिए। भागवत के महात्म्य में एक कथा आता है, बहुत लंबी कथा है, मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। एक बार देखिए, एक गांव में एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण उसके उसके पत्नी बच्चा नहीं चाहती थी वो, लेकिन उसको बहुत इच्छा था बच्चा चाहिए करके। क्योंकि वो पत्नी सोचती थी कि अरे बच्चा होगा तो 9 महीना उसको हमारे गर्भ में धारण करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा,
तो उसको इच्छाएं नहीं थी उसको, तो उसके पति अलग अलग ज्योतिषों के पास जाकर प्रार्थना किया कि मुझे बच्चे होगा क्या, मेरे तकदीर में क्या लिखा है इसे। एक दिन जंगल में एक ब्राह्मण को मिला उसने, उस ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की उन्होंने, मुझे इस तरह का आशीर्वाद दीजिए कि पुत्र भाग्य हो। तो ब्राह्मण ने उनके कुंडली को देखकर बोला कि तुम्हारे नसीब में नहीं है बच्चा इस जन्म में। तो ये जोर से रोने लगा, उनके पांव पकड़ा। तो ब्राह्मण ने उनको एक आम दिया, बोला ठीक है ये भगवान की कृपा है, इस आम को तुम्हारी पत्नी को खिलाओ, बच्चा हो जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा से हो जाएगा, चिंता मत करो। तो घर लेके गया, पत्नी को दिया आम। पत्नी की एक बहन थी, उसको बहन को पत्नी ने बोला कि देखो ये काम लेकर आए, मैं खाऊंगा तो बच्चा होगा, गर्भवती हो जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या किया जाए। वो बोली, बहन बोली तुम चिंता मत करो, तुम इस तकिया को रख लो पेट में, जब पति आता है तकिया को रखो, और 9 महीने के बाद मेरा बच्चा जब होगा मैं तुमको दे दूंगी। हाँ, तो ये आम को क्या करना है? वो बोला आम को खिला दो एक गाय को, बोला। तो ये गाय को खिला दिया उन्होंने। तो 9 महीने बाद क्या हुआ, उनके बहन का बच्चा हुआ। तो बहन के बच्चे को इसने ले लिया, कौन, बड़ी बहन। और छोटी बहन ने बोल दिया कि मिसकैरेज हो गया है, बोलते हैं ना मिसकैरेज, गर्भपात हो गया, ऐसा हो गया बोल दिया उन्होंने। तो लेकिन वो बच्चा बना बहुत खतरनाक बच्चा था, उसका नाम था धुंधुकारी नाम का। तो गाय को जो आम खिलाया गया, वो आम खाकर गाय ने भी एक बच्चा पैदा किया, उसका नाम था गोकर्ण। गो का मतलब है गाय, कर्ण का मतलब है कान। तो वो लड़का था उसका गाय जैसे कर्ण था उसका, क्योंकि गाय से पैदा हुआ था। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा संत था वो, हाँ, महात्मा पुरुष था, भगवान की महान भक्त निकला, क्योंकि एक साधु ने ही काम दिया था, उनसे ही लिया हुआ है, इसलिए वो उसके अंदर दिव्य गुण आ गए थे। तो ये धुंधकारी इतना बदमाश निकला, हाँ, वो सब तरह के शैतानी करता था वो, जैसे पैसा लूटना, खून करना, मारा मारी करना, लूटा लूटी करना, सब किया। एक बार कुछ वेश्या, 5 वेश्या थे जिनके साथ संबंध रखा था उसने, 5 वेश्या उन्हें बोला कि अभी तुम अच्छे अच्छे आभूषण हमको नहीं लेके आओगे तो हम लोग तुम्हारे साथ नहीं तारेंगे। तो गया राजा के महल में, पूरा चोरी कर लिया आभूषण इत्यादि को, हैं, जो रानियां पहनती थी, बहुत प्रचुर मात्रा में लेके आकर वेश्याओं को दे दिया उसने। वेश्या सब पहन लिया, लेकिन वेश्याओं ने आपस में बात किया, देखो देखो हमको रानी का आभूषण दिया है, अगर राजा से हम लोग पकड़े जाएंगे हम सब के सब जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इधर से भाग जाएंगे, लेकिन इसको खत्म करके ही भाग जाएंगे। तो उसको खत्म कर दिया, वो लोगों ने जिंदा मार दिया जलाकर ऐसे, क्योंकि जिंदा मरने के कारण वो पिशाच बना, वो कौन, धुंधकारी। तो एक दिन गोकर्ण बगीचे में बैठ कर कुछ भगवान का नाम ले रहा था, ऐसे कुछ पढ़ रहा था, तब उसको आवाज सुनाई दिया पेड़ से, भैया भैया ऐसे। ऊपर उठकर देखा, अरे कौन हो तुम, बोला कि तुम्हारे भाई धुंधकारी, हमें पिशाच बनकर लटका हूँ पेड़ में, अभी मुझे बचाने के लिए कुछ कार्य करो। उन्होंने पूछा क्या करो, चलो चार धाम यात्रा करो, ब्राह्मणों से पूछो मेरे उद्धार के लिए क्या करना होगा। तो तुरंत गोकर्ण सफर करने लगा, भ्रमण किया सारे भारत में, 4 धाम किया उसने, और 4 धाम में सबके सब ब्राह्मणों ने बोला कि आपके पूर्वज दादाजी परदादाजी किसी व्यक्ति पाप के वश में आकर अगर पिशाच बने हो, उनको उद्धार करने के लिए एक ही उपाय है, क्या है, भागवत को पढ़ाओ, बस भागवत का श्रवण जब होता है जब पिशाच का उद्धार हो जाता है। इस तरह सब के सब लोगों ने एक ही चीज बोला, तुरंत वापस लौट आ गए, अपने गांव के सब लोगों को इकट्ठित किया, बोला कि आज भागवत का सत्र करेंगे, हा? सब लोग ध्यान से सुनो और मेरे भाई भी सुनेगा। तो सब के सब गांव के लोग आकर बैठ गए, पुरुष लोग स्त्री लोग बच्चे लोग बूढ़े लोग सब आकर बैठ गए, लेकिन उनके भाई को बैठना नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पिशाच के रूप में था ना, कैसे बैठेगा वो। तो उसके लिए एक बांसी लगाया गया, उस बांसी के अंदर वो घुस गया। तो पहला दिन सत्र हुआ भागवत का, सब लोग बैठकर सुन रहे थे, धुंधकारी भी सुन रहा था। पहला दिन वो जो बांस था उसका एक गांठ टूट गया, दूसरा दिन और एक गांठ टूट गया, तीसरा दिन और एक, 7 दिन में 7 गांठ कट गए।
सातवां दिन भागवत का कथा पूरा होने के बाद एक वैकुंठ विमान आ पहुंचा उधर, और उससे उतरे विष्णु दूत, लोगों ने बोला कि हम आए हैं धुंधकारी को वैकुंठ धाम लेके जाने के लिए। सब लोग बड़े आश्चर्य किया, अरे धुंधकर तो महापापी था पहले, उसको कैसे वैकुंठवास हो रहा है। वो लोगों ने बोला कि धुंधकारी को इतना प्यास था, इतना भूख था, इतना उसका शरीर जल रहा था और वो तड़प रहा था, इसलिए भगवान की याचना कर रहा था कि बचाओ बचाओ मुझे। तो भागवत का कथा वो ध्यान पूर्वक सुना, तो पूरा सात का सात दिन उसने सुना इसे। इतना ही नहीं, धुंधकारी के लिए अच्छा भाई मिल गया था, कौन है, गोकर्ण। उसने भागवत पढ़ाया, क्योंकि भागवत श्रवण करने से महापाप जितना भी पातकी पाप वो सब मिट जाता है। भागवत भागवत के अंदर ही एक श्लोक है ऐसे बताया बताता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। ये भागवत का निष्कर्ष है, नाम संकीर्तन करके सब पाप मिटता है और भगवान हरि के समक्ष सर झुकने से सब दुख मिटता है। और नाम संकीर्तन कैसे करना चाहिए, पहले भागवत पढ़ना चाहिए। ये तदातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्या अनुवर्णनम। भगवान हरि की चरित्र के बारे में पढ़ेंगे तो हृदय पिघलेगा, पिघला हुआ हृदय के साथ नाम लेंगे तो हमारे सब पाप मिट जाएंगे। इस तरह भागवत के अंदर ही बताया गया है। तो इसलिए गोकर्ण की भागवत का पढ़ाई कराने से क्या हुआ, धुंधकारी उद्धार हो गया उसका। तब सब लोगों ने वैकुंठ भगवान जाने के बाद, वैकुंठ भगवान जाने के पहले धुंधकारी बहुत प्रसन्न हुआ। वो अपने भाई के ऊपर फूल की वर्षा किया, दंडत प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया, तीन बार बोला कि भैया आपकी कृपा से मेरा जान बच गया, नहीं तो मैं पिशाच बनकर पता नहीं कितने करोड़ों जन्म काटता था इस दुनिया में। अभी हमारा उद्धार हो गया, वैकुंठ में जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो करके आशीर्वाद लेकर निकल गया धुंधकारी। वो जाने के बाद गांव के सब लोग पूछे, गोकर्ण हमने सात दिन भागवत सुना, इसका लाभ क्या हमको बताओ, अभी देखो हमको वैकुंठ गमन नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। वो गोकर्ण बोला कि देखो आप लोग लेक्चर के बीच में उठकर चले गए, किसी ने बोला बाथरूम जाना है, बोला आया ही नहीं वापस, कोई बोला अभी पानी पीने के लिए जाना है, बोला पानी पीने के लिए गया, पानी पीकर उधर ही बैठ के आया नहीं। ध्यान पूरा आप लोगों ने सुना नहीं है और उत्साह नहीं है आपके पास, ऐसे बोला उन्होंने, क्या किया जाए। वो बोला कि उत्साहपूर्वक ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक निरपराध भावना से निष्कपट भावना से जो भागवत श्रवण करेगा उसको जरूर प्राप्त होगा लाभ, ऐसा उन्होंने बताया। सब लोगों ने बोला कि ठीक है और एक बार आप आयोजन करो भागवत कथा, इस बार हम एकदम गंभीरता से हम श्रवण करेंगे। सबके सब लोग आ गए दूसरी बार, भागवत का कथा चालू हुआ, सब लोग जिनको पानी पीना था वो लोग बॉटल लेकर आ गए पानी का, क्योंकि हम हमेशा साथ में लेके जाते हैं, भागवत के बीच में नहीं जाना पड़ेगा कहीं बाहर, पानी पीना हो तो बॉटल भी लेके जाते हैं। और सब लोग नोटबुक पेन लेकर आए, जो भी बोला एकदम ध्यान पूर्वक सुना। और सातवां दिन भागवत महात्म्य में बताया गया है, सातवां दिन सैकड़ों हजारों वैकुंठ गमन आ गए, सबके सब लोगों को लेकर उनका वैकुंठ गमन हुआ। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की। इस तरह भागवत महात्म्य में कथा बताया है कि भागवत श्रवण करने वालों के लिए वैकुंठ विमान आकर उनको भगवान के धाम में लेके जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज को वैकुंठ प्राप्ति हुआ, पृथु और अर्ची को वैकुंठ प्राप्ति हुआ, प्रहलाद को वैकुंठ प्राप्ति हुआ, अजामिल महापापिता भगवान का नाम का उच्चारण करके नारायण इसे जोर से चिल्लाया उन्होंने मृत्यु के समय, इसके कारण उनका जान बच गया उनका। और 12 साल भक्ति करके हरिद्वार में शुद्ध होकर उनको भी वैकुंठ गमन हुआ, उनका भी गजेंद्र मोक्ष भागवत में पढ़ते हैं, उनका भी वैकुंठ प्राप्ति हुआ। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग उनको भागवत श्रवण करना चाहिए। और भागवत के अंदर ही हम देखते हैं अभी भागवत ग्रंथ क्या है, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह सब अवतारों के बारे में वर्णन है भागवत में ना? और भागवत के अंदर ये भी पढ़ेंगे लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा कृष्ण उनके भी लीलाएं हैं, ध्रुव चरित्र है, प्रहलाद चरित्र है, गजेंद्र मोक्ष है, समुद्र मंथन लीला है, चित्रकेतु की लीला है, भरत महाराज की लीला है, अम्बरीश महाराज की लीला है। इसे तो ये लीला सब क्यों है भागवत में उसके बारे में दो शब्द बोलेंगे। अनुग्रहाय भक्तानां देहं मानुष्यमास्थितः
भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसे भागवत के अंदर एक श्लोक है, अनुग्रहाय भक्तानाम, भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में अवतरित होते हैं, जैसे आप देखते हैं सुंदर राधा श्याम सुंदर के रूप में, राधा वृंदावन सुंदर के रूप में क्यों अवतरित होते हैं। इस दुनिया में अनेक लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, अनेक लोग बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं, ऐसे धोखाबाजी करने वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में। तो भगवान इसलिए सोचते हैं कि मैं खुद ही आ जाऊं, आयरे से डोंगियों को नकार कर मैं लोगों को दिखा दूं मैं कौन हूं। भगवान अपने आप को दिखाने के लिए खुद ही आ जाते हैं। अरे मेरे प्रिय भक्तों देखो मेरा सुंदर स्वरूप है, वेणु कुणंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समचिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे बताते हैं ब्रह्मा जी, भगवान गोविंद की सुंदर चेहरा है, स्वरूप है, वो मोर मुकुट मोर पंख पहनते हैं, मुरली बजाते हैं, त्रिभंग ललित रूप में खड़े रहते हैं ऐसे। तो इस रूप को दिखाने के लिए भगवान खुद ही आ जाते हैं इस दुनिया में, आकर अनेक लीलाएं करते हैं। अनुग्रहाय भक्तानाम देहम मानुष्य मासित है, मनुष्य जैसे चेष्टा करते हुए लीलाएं करते हैं। देखिए भगवान के दो तरह के लीलाएं हैं, मैं आपको पूछूंगा आप लोग जवाब देना, ठीक है? क्या जवाब देना आपको, मैं लीला बताऊंगा आप बोलेंगे लौकिक बोलना चाहिए नहीं तो अलौकिक बोलना चाहिए, ठीक है? माखन की चोरी करना लौकिक है अलौकिक है? अलौकिक है, क्या अलौकिक है उसमें, हम भी माखन की चोरी कर सकते हैं ना, क्या बड़ी बात है उसमें, वो लौकिक है। वो लौकिक मीन्स ह्यूमन, यू कैन कॉपी इट इजली। अभी गोचारण लीला में जाना लौकिक है, आप भी ग्वाला बन सकते हैं, करेक्ट है ना? जंगल में वृंदावन के जंगल में दावानल को पी लेना अलौकिक है, क्योंकि एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, बर्थ में हम लेटे थे, तब सुबह बैठ कर नाम जब शुरू करने ही वाले थे, एक व्यक्ति सोते सोते ऐसे आंख खोलते हुए बोला, ये चाय 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 दो। तो चाय लेकर मुंह में डाला, गर्मा गर्म था चाय, धुआं निकल रहा था, मुंह में डालते ही उसको जल गया ओंठ, जोर से चिल्लाते हुए वो नीचे गिरा दिया उसको, और उसने डांटा वो चाय वाले को, अरे मूर्ख इतना गर्म दे रहे हो, मेरा ओंठ जल गया, तुमको पैसा नहीं मिलेगा, निकल जा, बोला उसने। तो मैं देखकर हंस पड़ा, क्यों? मैंने देखा कि देखो ये थोड़ा गरम चाय डालकर उसका ओंट जल गया, लेकिन भगवान ने किसको पिया? इसलिए अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं, उनको दावानल पिलाओ उनके मुंह में, तब पता चलेगा भगवान है कि नहीं। कितने लोग भारत में अपने आप को क्या घोषणा करते हैं, क्या बोलते हैं, मैं ही भगवान हूं। तो टेस्ट करेंगे भगवान को, करेक्ट है ना? जैसे समुद्र में नीलम पढ़ते हैं, मंदार पर्वत इतना भारी था, और वासुकी नाम के सर्प को डालकर एक ओर असुर एक ओर देव दोनों उसको समुद्र मंथन कर रहे थे, गड़ 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 गुड़ 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 गड़ 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 गुड़ गुड़ कर रहे थे ऐसे, ऐसे करते समय मंदार पर्वत ऐसे गिर गया नीचे। तो भगवान ने बोला देवताओं को, चिंता मत करो मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा इसको। ऐसे बोलकर नीचे भगवान क्या बन गए, कछुआ बन गए। बोला कि मेरे पीठ में डालो और रगड़ो, नो प्रॉब्लम, ऐसे बोला। तो अगर आप ऐसे करते हो तभी ये पर्वत जो है ऐसे रोटेट होता है ना, तब उसके पीछे को रगड़ जाता था, कट 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 गुड़ 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 ऐसे ऐसे करता था, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनको खुजली होता था पीछे, वो खुजली करने वाले कोई नहीं थे। तभी इसको बिठा दिया, करने के बाद भगवान को अच्छा लगा, ऐसे उन्हें श्वास लिया, इसके कारण उधर से लहरें जो चालू हुई, आज तक लहरें बंद नहीं हुई समुद्र में, आते रहते हैं लहरें ऐसे ऐसे बताया है। अगर कोई बोलेगा मैं भगवान हूँ, उनके पीठ में क्या चढ़ा दो, मंदारा पर्वत, चढ़ाना ही नहीं रगड़ना भी है ना चाहिए। इसलिए आप पढ़ेंगे भागवत में पता चल जाएगा भगवान कौन है, आपको पता चलेगा अलौकिक कार्य करने वाले होते हैं। जैसे भगवान एक चीज देखेंगे, एक मिनट, तो आपने जैसे आपने देखा अभी कुरुक्षेत्र रणभूमि में भगवान ने अपने अलौकिक ऐसे रूप दिखाया, विराट विश्व रूप देखते हैं। इस तरह वृंदावन में भी भगवान दोनों लीला करते हैं,
जैसे बच्चे के रूप में भगवान ने मुंह खोल कर दिखाया, ये क्या लीला है, लौकिक है, अलौकिक है? तो लौकिक है, मुंह खोलकर कोई भी बच्चा दिखा सकता है, लेकिन मुंह के अंदर क्या दिखाया, हाँ वो अलौकिक है। सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया उन्होंने अपने पेट में, राइट ना? ऐसे इसलिए मुझे बताया गया है, अनुग्रहाय वक्तानां देहं मानुष्यमास्तितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसे लीलाओं के बारे में अगर हम भागवत से पढ़ेंगे, पढ़कर श्रवण करके हमारे चित्त शुद्ध होगा और हम परो भवेत का मतलब भगवत धाम लौट जाएंगे हम इन लीलाओं को सुनने से। इसलिए भगवान लीला करते हैं, उन लीलाओं का रिकॉर्डिंग होता है भागवत में, उसको पढ़ने वालों के लिए बड़ा लाभ है, ऐसे बताया गया उधर। और इस तरह भागवत भागवत बोला गया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, तो भागवत ऐसे बोलते बोलते वो नौ स्कंद पूरा करके दशम स्कंद चालू किया उन्होंने। दशम स्कंद में परीक्षित महाराज जो श्रोता गण थे उनके, वो सबसे श्रेष्ठतम श्रोता थे। क्यों? क्योंकि भागवत के अंदर ही पता चलता है हमको, इतने ध्यान से सुन रहे थे। शायद आप लोगों ने कृष्णा बुक पढ़ा होगा, लीलाएं सुना होगा आप लोगों ने। जब उन्होंने सुना एक दिन की कथा में कि अगासुर के वध होने के बाद जब गोपाल घर लौटे, एक साल बाद अपने माता पिता को उन्होंने अगासुर की लीला के बारे में बताया, ऐसे उन्होंने बोला, तुरंत आपके मन में क्या प्रश्न उठता है? परीक्षित ने सडन ब्रेक डाला, उनको बोला कि एक साल के बाद क्यों बोला आपने माता पिता को, उसी दिन क्यों नहीं बोले, ऐसे उन्होंने पूछा। तुरंत सुखदेव गोस्वामी समाधि में चले गए, सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, क्यों सुखदेव गोस्वामी बोल नहीं रहे हैं कुछ है? सब लोग हाथ में मृदंग लेकर जांझ लेकर कीर्तन करना चालू हो गया है? तो सुखदेव गोस्वामी वापस लौट आ गए, उन्होंने बोला कि उस एक साल के बारे में आपने पूछा, मेरा स्मृति किधर चला गया, वृंदावन में चला गया। वृंदावन में अपने गोपों को गाय बचनों को ढूंढते हुए भगवान कृष्ण दृष्टिगोचर हुए एक वंशवट के नीचे, क्योंकि तब हुआ था ब्रह्म विमोहन लीला, वो एक साल में हुआ था। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ करके उन्होंने बताया। तब उन्होंने बहुत प्रशंसा की परीक्षित को, परीक्षित तुम इतना ध्यान पूर्वक सुन रहे हो, मैं एक शब्द बोल देता हूँ तो तुरंत पकड़ कर प्रश्न पूछते हो, मतलब तुमने अच्छी तरह सुना है। तब उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारी ध्यान इतना अच्छा है, किस तरह का अच्छा है, उन्होंने बताया एक श्लोक बोला उनको, बताते हैं एक श्लोक में, जैसे इस दुनिया में दो विषयों के बारे में इंसान ऑफिस में बात करता है, या तो इनकम टैक्स से कैसे बचना है, अनेक लोग बात करते हैं पैसे को कैसे बचाना, दूसरा है स्त्री पुरुष के बारे में इंसान बात करता है। तुम परीक्षित, तुम्हारे इच्छा भगवान के बारे में सुनने के लिए इतना रुचि है तुमको, या नूतन ईशस्य पुण्यम कृष्ण कथाम मुहु, बोलते हैं कि तुम एक ही लीला को 10-10 बार सुनने के लिए तैयार हो, तुम्हारे अंदर इतना रुचि है एकदम। जिस तरह साधारण बद्ध जीव स्त्री पुरुष के संबंध में बात करना चाहता है, स्त्रिया बिटानाम एवं साधु वार्ता, ऐसे बताते हैं। क्योंकि आप देखेंगे एक ऑफिस में कोई नया सेक्रेटरी आई है मैनेजर के, तो कोई बोलेगा सेक्रेटरी का नाम क्या है, किधर से आई है, क्या भाषा बोलती है, बाकी सब लोग निकट के लोग ऐसे कान खड़ा हो जाता है, सब लोग सुनना चाहते हैं। अभी सुनकर क्या करना है, कौन सिनेमा एक्टर किस एक्टर से शादी किया, ये नया सुनने से कोई मरने वाला नहीं है, फिर भी लोगों को रुचि होता है कि नहीं, क्या बोलते हैं, करेक्ट? तो जिस तरह बद्ध जीवों को इन विषयों में रुचि होता है, इस तरह भगवान के महात्मा भक्तों को भगवान में रुचि होता है, ऐसे उन्होंने बोला। तो कोई पूछेगा सुखदेव गोस्वामी को, आप इस तरह के गंदे उदाहरण क्यों देते हैं, क्योंकि ये गंदे उदाहरण दिए बिना बद्ध जीव समझेंगे नहीं भगवान के भक्तों में कितना रुचि है भगवान के लिए, इस तरह बताते हैं। तो परीक्षित को उन्होंने बोला कि परीक्षित तुम्हारा रुचि बहुत है भगवान की कथा में, तुम ध्यान पूर्वक सुनते हो। और एक बार ऐसा एक प्रसंग आता है, ये कालिया कालिया नाम के नाग के बारे में बताया सुखदेव गोस्वामी ने। एक था कालिया नाम का नाग, वृंदावन में आया, यमुना में आकर वसन करने लगा, कृष्ण ने उसको दमन करके भगा दिया, बस एक ही श्लोक में पूरा कर दिया उन्होंने कथा। तब परीक्षित ने बोला कि इतना जल्दी से मत बताइए कथा, बताइए कि कालिया कौन है, किधर से आया, वो वृंदावन में क्यों आया, यमुना में आकर वसन क्यों किया, कृष्ण ने उनको दमन कैसे किया,
सब विषयों को विस्तृत रूप से समझाइए। ऐसा मत सोचिए कि मैं इतने दिन पानी नहीं पिया हूँ, भोजन नहीं खाया हूँ, नींद नहीं लिया हूँ, ऐसा मत सोचिए। आपकी कथा से मुझे अमृत के बराबर रुचि प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाना पीना सब भूल गया मैं, कथा को विस्तृत तरीके से बताइए, ऐसे बोला उन्होंने। तब सुखदेव गोस्वामी ने बोला, तुम ध्यानपूर्वक भी सुनते हो और रुचि के साथ भी सुनते हो। इस दुनिया में देखा जाता है लोग घड़ी देखते हैं, कब क्लास पूरा होगा, तुरंत प्रसाद कितने बजे चालू होगा, लोग पूछते हैं, करेक्ट है ना। लेकिन परीक्षित ने घड़ी कभी देखा नहीं, बोला कि और विस्तृत तरीके से बताइए। इसका मतलब क्या है, उनको कथा में रुचि मिल रहा है। तो जब वो दशम स्कंद आ पहुंचे, तब परीक्षित ने देखा कि भगवान की अद्भुत लीलाएं चालू हुई दशम स्कंद में, पूतना वध की लीला चालू हुई। तब परीक्षित के अंदर एक दिव्य उन्माद प्रकट हुआ। उन्होंने बताया उनको, येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। हे मुनिवर, अनेक कथा बताते आए हैं लक्ष्मी नारायण की, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह की, इन लीलाओं से भी ज्यादा मुझे आनंद आ रहा है कृष्ण की लीला में। कारण क्या है, उन्होंने बताया, अपने ओंटों की शक्ति प्रकट करने के लिए भगवान ने पूतना का वध किया, अपने हाथ की शक्ति प्रकट करने के लिए भगवान ने तृणावर्त के गर्दन पकड़ा, उसको नीचे लाया, ऊपर से नीचे भवंडर जोता, और अपने श्री चरण की शक्ति प्रकट कराने के लिए भगवान ने किसको मारा, शकटासुर को मारा। ऐसे ही पांव को ऊपर उठाकर स्पर्श मात्र किया, पूरा शकट उछल कर गिर पड़ा वो, और अपने पेट की शक्ति प्रकट कराने के लिए भगवान ने दामोदर लीला की। इस तरह ये लीलाएं तो अद्भुत लीलाएं हैं, क्योंकि भगवान अपने आकार को भी बड़ा नहीं करते हैं, और भगवान अपने हाथ में एक आयुध को भी पकड़ते नहीं। बाकी अवतारों में भगवान आयुध पकड़ते हैं, बाकी लीला में भगवान अपने आकार को बड़ा करते हैं। अभी वामन देव आए छोटे रूप लेकर, बाद में ले लिया इतना बड़ा आकार, त्रिविक्रम बन गए वो। इस नरसिंह देव भी बहुत बड़ा रूप लेकर आए थे, इतना बड़े रूप लेकर आए थे नरसिंह देव। जब उनका बाल ऐसे हवा में उड़ता था, साथ साथ बादल भी उड़ते थे उनके, इतने बड़ा उनका रूप था नरसिंह देव का भी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने रूप को छोटे बालक के रूप में ही रखते हैं। पूतना का वध करने के बाद भी भगवान छोटे बालक ही थे वो, बड़ा नहीं क्या, पूतना बन गई 12 मील लंबा लेकिन भगवान थे कितना, जैसे कि वैसे ही। तो तब बोला परीक्षित, मुझे ये लीलाएं बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, आप कृष्ण क्या ही लीला बताते जाइए। उस समय उन्होंने एक श्लोक बोला, भागवत पढ़ने वालों के लिए 5 लाभ प्राप्त होगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं प्रवचन के अंत में पूछूंगा क्या है 5 लाभ, ठीक है। यत शिण्वतो अपैतरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदैवहारं वदमन्यसे चेत्। ऐसे एक श्लोक बोला उन्होंने, यत शिण्वतो अपैति अरतिर् वितृष्णा, भागवत सुनते समय शुरुआत में आपको थोड़ा अरति होगा, अरति का मतलब है बोर्डम होगा। कुछ लोग क्लास में भी आकर सो जाते हैं, देखा आपने कुछ लोग, लेकिन अगर सुनते जाएंगे तो कथा में रुचि बढ़ता जाएगा। ऐसे बताते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको भोजन खिलाना माता को बहुत कठिन है, मालूम है आपको, माता अगर भोजन बनाएगी एक इसमें बर्तन में, बच्चा देखकर एक कमरे से दूसरा कमरा भागता हो, उसको पकड़ कर खिलाना होता है, मालूम है आपको छोटे बच्चे को। लेकिन बड़े होने के बाद आप लोगों को अभी खिलाने के लिए क्या मुश्किल है क्या, आप लोग प्लेट लेकर आ जाओगे आप लोग अपने आप। इस तरह नवसी क्या भक्तों को भागवत खिलाना मुश्किल है, वो लोग पढ़ेंगे ही नहीं। कुछ लोग भागवत का ग्रंथ खरीद कर बॉक्स को खोलते ही नहीं, घर में ऐसे ही ऊपर रख देते हैं, उसको खोलते नहीं, क्योंकि उनको रुचि नहीं है, शुरुआत में क्या नहीं है, रुचि नहीं है। लेकिन अगर हम लोग भागवत को खोलकर रोज एक पृष्ठ भी पढ़ते जाएंगे, एक पृष्ठ पढ़ते जाओ, धीरे धीरे क्या बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगा, नींद नहीं आएगा। इसके विरुद्ध हम जैसे अगर कोई बोलता आपको गुलाब जामुन चाहिए, क्या नींद आएगा आपको, नींद नहीं आएगा, आप तो उठकर भागोगे आप गुलाब जामुन लेने के लिए। इस तरह भागवत में भी ऐसा ही रुचि जग जाएगा बोलते हैं। एक पहला आशीर्वाद है, भागवत श्रवण करते जाओ, आरती चला जाएगा और रति आ जाएगा, प्रेम जग जाएगा, आप सुनोगे, इतना रुचि आ जाएगा आपको। मेरे पास भागवत के 48 वॉल्यूम्स थे उन दिनों में, छोटे छोटे भागवत का वॉल्यूम, वो हम पढ़ते थे,
कोई आकर दरवाजा खटखटाता था इसे, हमको बहुत बुरा लगता था, अरे पढ़ते समय बीच में आ गया कोई, तो हम इसको ऐसे उल्टा रखकर हम जाते थे, उसको दो मिनट में पूरा करके वापस आकर तुरंत हम लेकर पढ़ते थे कि क्या आगे क्या है इसे। जैसे कभी कभी अगर आप आम खाते हो, आम खाते समय कोई आकर दरवाजा खटखट रहा है, अच्छा लगेगा आपको? आप उसको बीच में रखकर मुंह धोकर दो मिनट बात करके अगर वापस आप ले लेंगे हाथ में उसको, है कि नहीं? ऐसे रुचि आ जाएगा भागवत पढ़ने के लिए। ये पहला आशीर्वाद है। दूसरा क्या है? यतशिन्वतो अपैति अरतिर वितृष्णा। वितृष्णा बोलते हैं, तृष्णा का मतलब है प्यास। किसके लिए प्यास? इस दुनिया में हमारे अंदर हमेशा एक जलन होता है। क्या जलन है? कभी कभी लोग किसी और का घर देखते हैं, अरे देखो मेरा घर छोटा है उसका घर बड़ा है, अरे मेरे पास मारुति है उसके पास इनोवा है, ऐसे तुलना करते हैं हमेशा। तुलना करते समय उनका हृदय जलता है। देखो हमारा बेटा जो है इधर भारत में ही काम कर रहा है, उनका बेटा अमेरिका चला गया है, लोग तुलना करते हैं इस तरह। अभी देखो मुझे नौकरी मिला, मुझे 40,000 मिल रहा है, मेरे फ्रेंड को 1,00,000 मिल रहा है महीने में, पैसा ज़्यादा मिल रहा है, तो इस तरह लोग तुलना करते करते जलते हैं। अरे जल जलने से अगर आपको सब मिल जाएगा तो जल जलाकर हम प्राप्त कर सकते हैं, जलने से कुछ लाभ नहीं प्राप्त होता और ही जलन बढ़ता है, करेक्ट है ना? लेकिन भागवत पढ़ने वालों का जलन नहीं होगा, ऐसे बताते हैं। एक स्त्री थी एक घर में, उसके पास बहुत महंगा नेकलेस था, एक चोर को पता चल गया, रातों रात 12 बजे वो टूट पड़ा घर के अंदर, और लाइट ऑन किया, चक्कू दिखाया, बोला कि या तो नेकलेस दो नहीं तो मारूंगा, तो तुरंत वो माता ने नेकलेस दे दिया उसको। और चोर ने बोला ठीक है आपने दे दिया इसलिए मारूंगा नहीं आप लोगों को, लेकिन आप लोग चिल्लाना भी नहीं, चिल्लाओगे तो वापस आकर मारूंगा, इसलिए आप लोग चुप रहो। तो वो चोर जाने ही वाला था, माता ने चोर को वापस बुलाया, हे एक मिनट, बोला देखो मेरे पड़ोस वाले थे ना, उसने और मैंने हम दोनों साथ में ही नेकलेस खरीदा था, एक ही नेकलेस, तो हमसे ले लो उनसे भी ले लो, नहीं तो उसके पास होगा मेरे पास नहीं होगा, ऐसे बोली वो। तो मतलब क्या, इस दुनिया में हर एक इंसान जलता है इस दुनिया में है? तो भागवत पढ़ने वालों के लिए आशीर्वाद क्या है? जलन मिट जाएगा। क्योंकि आप पढ़ते हैं ध्रुव महाराज की कथा में, हम पढ़ते हैं इसे, ध्रुव महाराज के अंदर भी जलन था। मेरे भाई को बैठने के लिए दिया, मुझे बैठने के लिए नहीं दिया। उनकी माँ ने बोला बेटा आप मन में एक अशुभ भावना मत रखो, आप जंगल में जाकर ऋषि मुनियों को मिलो, भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करो, और तुमको जो चाहिए प्रगति करना है तो विष्णु के पास जाओ, दूसरों के बारे में पर जीवों के लिए तकलीफ मत दो, क्लेश के बारे में मत सोचो। तो भागवत में सिखाया जा रहा है कि भागवत पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर ईर्ष्या भावना है मिट जाएगा, क्रोध भावना मिट जाएगा, काम भावना मिट जाएगा, ऐसे तृष्णा चला जाएगा, वितृष्णा। अगर आपको कृष्ण प्राप्त होते हैं तो तृष्णा मिट जाएगा, ऐसे बताया गया है। यतशिन्वतो अपैति अरतिर वितृष्णा सत्वं च शुद्यति। का मतलब क्या है? आपके चित्त जो है वो शुद्ध होगा भागवत पढ़कर, बताते हैं। हमारे चित्त में क्या है? तीन बड़े असुर हैं, जैसे श्रीपाद शंकराचार्य बताते हैं, काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति दस्कराः ज्ञान रत्न अपहाराय तस्मात् जाग्रत जाग्रत बोलते हैं, सावधान सावधान बोलते हैं। क्या है सावधान? तीन चोर आए हैं तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारे दिव्य ज्ञान को अपहरण करके लेके जाने के लिए। कौन कौन है वह? बोलते हैं काम क्रोध और लोभ। जैसे कभी कभी हाईवे रॉबर होते हैं, आप सड़क में 10-5 लाख का हाथ में लेकर जा रहे हो, अचानक तीन चोर टूट पड़ते हैं आपके ऊपर, आपको क्या करना चाहिए? पुलिस बुलाना चाहिए है? तुरंत पुलिस कुछ गन लेकर भागते हुए आएंगे, चोर सब भाग जाएंगे। इस तरह वो बोलते हैं कि तुम सावधान रखो, तुम्हारे ज्ञान दिव्य ज्ञान के रत्न को चोरी करने के लिए मत छोड़ो इन तीन असुरों को, काम क्रोध लोग बोलते हैं। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं गीता में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् बोलते हैं। इन तीन असुरों को मिटाना बहुत मुश्किल है, बहुत मोटे असुर हैं। कौन? काम क्रोध और लोभ। तो काम का मतलब है जो वर्जित चीजों को प्राप्त करने के लिए इच्छा करना, जैसे रावण ने इच्छा की सीता को प्राप्त करूं, वो बहुत बड़ा वर्जित इच्छा था उसके पास, इसको काम बोलते हैं। और क्रोध का मतलब है ना प्राप्त होने पर उत्तेजित हो जाना, हताश हो जाना। और लोभ का मतलब है और चाहिए और चाहिए और चाहिए,
अभी लाखपति क्या बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, अरबपति खरबपति बनना चाहता है, और जो खरबपति ऑलरेडी है रावण उसको लक्ष्मीपति बनना था, वो प्रयत्न किया, इसको लोभ बोलते हैं उसको। तो काम क्रोध लोभ जो है इसको मिटाने के लिए एकदम सरल उपाय है भागवत का श्रवण। उधर बताते हैं सत्वम च शुद्ध्यति, जैसे कहने में अगर धूल पड़ गया एक गीला कपड़ा लेकर ऐसे पहुंचने से क्या होता है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है। हमारे चित्त को भी भागवत चित्त को शुद्ध करा देता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेशु नित्यम। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा कम से कम एक पेज भागवत का, एक पृष्ठ दो पृष्ठ पढ़ना पड़ेगा, तब चित्त शुद्ध हो जाएगा। बताते सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः, अनेक श्लोकों उसके बारे में, कर्ण प्रविष्टरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम दुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य दाशरथ, ऐसे अनेक श्लोक भागवत में। ध्यान पूर्वक जो भागवत सुनते हैं उनकी चित्त शुद्ध होता है। और एक श्लोक है शृण्वद श्रद्धया नित्यम ऋणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। जो श्रद्धा पूर्वक भागवत रोज श्रवण करते हैं स्वचेष्टा से, स्वचेष्टा मतलब अपने आप इनिशिएटिव लेना, मैं रोज पढ़ूंगा, सुबह प्रातः काल में नहाने धोने के बाद नाम जपूंगा, एक माला नाम जपना और एक पेज भागवत पढ़ लेना। भागवत पढ़ने के लिए 5 मिनट, नाम जप के लिए 10 मिनट, 15 मिनट क्या मुश्किल बात है क्या? अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे में 15 मिनट, कितने लोगों को अच्छा लगता है? ये कठिन नहीं है लगता आपको, करेक्ट है ना? 24 घंटे में 15 मिनट भगवान के लिए देना मुश्किल है क्या? 15 मिनट मतलब 10 मिनट का एक माला और एक पेज भागवतम पढ़ना, कितने लोग कर सकते हैं, हाथ ऊपर कीजिए, या करेक्ट है ना? तो इस तरह से आप लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ ओशन, धीरे धीरे ऐसे। तो इस तरह बताया गया भागवत के अंदर सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण। और चौथा चीज है भक्तिर्हरौ, भगवान कृष्ण के लिए भक्ति जग जाएगा भागवत श्रवण करने वालों के लिए, है ऐसे भागवत सुनते सुनते भक्ति जग जाएगा। एक कथा पढ़ते हैं भागवत के अंदर, मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगा। एक गंधर्व था, उसका नाम था उपबरहणा, नाम था उसका, वो गंधर्व लोक में रहता था, एकदम खूबसूरत था वो, बहुत मधुर कंठ था उसका, गाता था बहुत अच्छा, उसके घुंघराले बाल थे उसके, तो क्योंकि वो खूबसूरत था गाता था अच्छी तरह, अनेक अप्सराएं उनके साथ रहती थी, इधर उधर घूमता घामता था, आजकल के भाषा में क्या बोलते हैं, प्ले बॉय बोलते हैं ना ऐसे, ऐसे घूमता था अनेक अप्सराओं के साथ। तो ऐसे जाते जाते एक दिन पहुंच गया देवताओं के एक सत्र में, मीटिंग में, उनका मीटिंग गंभीर मीटिंग चल रहा था। मीटिंग होने के बाद भगवान हरि की कीर्तन किया वो लोगों ने, ये पीछे होकर कीर्तन के बदले और कुछ सिनेमा गाना गाया इसने, तो वो लोगों ने सुन लिया, मुड़कर देखा कि है ये जो गंधर्व आया है मजाक उड़ा रहा है, हम लोग भगवान हरि की गुणगान कर रहे हैं, अपराध कर रहा है। इस तरह सोचकर एक देवता ने उनको श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख तुम ये एक दासी पुत्र बन जाओ, ऐसे श्राप दिया। ऊपर से अंतरिक्ष में ऐसे नीचे गिरते हुए आकर एक साधारण गांव में एक झोपड़ी में रहने वाली एक स्त्री के बेटा बना वो, एक दासी के, गरीब स्त्री थी वो, देखिए था पहले शरीर इसका गंधर्व का, खूबसूरत शरीर था, लेकिन उस स्थान से उनको एक नीच योनि प्राप्त हुआ, एक दासी के पुत्र बना। वो दासी वो अनपढ़ थी, गांव में रहती थी, उनके पास जो भी खेती था उनका जीवन यापन होता था ऐसे। तो एक दिन की बात है, उस गांव में कुछ 7-8 वैष्णव लोग आए, वो लोग एक ब्राह्मण के गुरुकुल में आकर बसन करके 4 महीने के लिए टाने के लिए आए थे, चतुर्मास के समय में। उस समय ये दासी जो थी वो, उनको लगा कि ये तो संत महात्मा आए हैं, चलो हम जाकर दंडवत प्रणाम करके आते हैं। बेटे को भी लेकर गया, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, वो भी दंडवत किया, बोला कि बेटा साधु संतों की सेवा करो, कि सेवा करने से हम सदगति प्राप्त करते हैं, हमने सुना है, इसलिए मैं रोज कुछ प्रसाद बनाकर दूंगी, साधु संतों को जाकर परोस देना उसको, ठीक है? तो लड़का मान लिया माता की बात, माता ने दंडवत प्रणाम किया, उसने भी दंडवत प्रणाम किया, माँ से सीख लिया उसने। अभी रोज वो भोजन लेकर जाता था, देखा कि साधु लोग बैठ कर, वैष्णव लोग बहुत प्रेम से भगवान की अलग अलग लीलाएं गाते थे। तो एक दिन देखा ऐसे भगवान की कथा करते करते वो लोग अच्छे अच्छे भगवान की लीलाओं को गाते थे। यशुमति नंदन ब्रज बर नागर
यशुमते नंदन व्रज वर नागर गोकुल रंजन कारा गोपी परण धन मदन मनोहर गोपी परण धन कालियाधवन विदान कालियाधवन कमल हरि नाम अमिय विलास अमल हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र की विपिन पुरंदर नवीन नागर वर विपिन पुर वंशी वदन सुभाषा व्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाले गोपाल भगवान की नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवलित तास्कर गोविंद नवनीत तास्कर माखन चोर भगवान की गोविंद माधव नवनीत तास्कर गोविंद सुंदर नंद गोपाला यमुना तटचर गोपी वसन हर यमुना तटचर गोपी जन वल्ल भगवान की रास राशि का कृपा मोया श्री श्री राधा रस बिहारी की रास राशि का कृपा मोया राधा वल्लभ वृंदावन नटवर वृंदावन नटवर श्री श्री राधा श्याम सुंदर की भक्त विनोदाश्रया भक्त विनोद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे
राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे इस तरह हुआ वैष्णव लोग भगवान के कथाओं को बार बार श्रवण करके आनंद में लूटते थे कीर्तन करते थे। तो ये छोटा लड़का भोजन को देने के लिए जाता था, उनको बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उन्होंने पूछा ये महात्मा पुरुषो, मैं नीच जाति में जन्मा हूँ, आप जैसे महान नहीं हो, क्या मैं कथा में मैं भी आकर बैठ सकता हूँ, क्या अनुमति है क्या? वो लोगों ने बोला, हे बच्चे, इस कथा को श्रवण करने के लिए तुमको ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं, तुम किसी भी नीच होने में भी जन्मे हो, लेकिन श्रद्धा हो तुम्हारे अंदर, बस श्रद्धा ही एकमात्र मूल्य है, जरूर आकर बैठ सकते हो। तो उन्होंने कथा के सत्र में जाकर बैठते थे। तत्रान् वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा श्रृणवम् मनोहरा ता श्रद्धया मेनुपदम् विश्रण्वतः प्रियश्रवस्यंग ममा भवत् रुचि। उनकी कथा में बैठ बैठ कर मुझे मेरे अंदर श्रद्धा और भी जग गया और रुचि पैदा हो गया, बताते हैं। तो साधु संतों के साथ हम संग करके भागवत कथा करके हमारे अंदर रुचि जग जाता है, ऐसे बताते हैं। वो रुचि जगने के बाद कभी रुचि मिटता नहीं, और सुनने की इच्छा होता है कथा, और नाम लेने की इच्छा होता है, और भगवान की भक्ति में सेवा करने की इच्छा होता है। वो बच्चा ऐसे बढ़ते गया, 4 महीना ऐसे आनंदित होकर जिया उसने, लेकिन 4 महीने के बाद वो लोग निकल रहे थे, वापस लौट रहे थे। तो बच्चा रोने लगा, आपके संग तो मुझे मिलेगा नहीं है, गाँव में अनाथ हो जाऊँगा आपके बिना। तो वो लोग बोले, चिंता मत करो, हम लोग तुमको उपदेश देकर मंत्रोपदेश देकर हम जाएंगे। तो उन्होंने उनको बताया, ये भौतिक दुनिया जो है ये धुआं के बराबर है और भगवान के धाम आग के बराबर है। आपको वो चूल्हे में आग चाहिए, धुआं चाहिए, बताइए? आग से काम होता है, धुआं से नहीं। तो चूल्हे में अगर आग नहीं हो, आग बहुत कम हो, धुआं ज्यादा हो, तो क्या करते हैं लोग, एक फूंकनी लेकर ऐसा करते हैं, इस तरह आग को बढ़ाते हैं। इस तरह तुम भी आध्यात्मिक आग को बढ़ाओ बच्चा। कैसे करोगे? भागवत पढ़ो रोज और नाम जपो। तो वो लोगों ने वो बताया, इंक्रीज योर स्पिरिचुअल लाइफ, मैक्सिमाइज कृष्णा टाइम, मिनिमाइज माया टाइम, ये बताया उन्होंने। कृष्ण भावना भावित होने के लिए भागवत और पढ़ो, श्रवण करो और भगवान का नाम लो। दूसरा चीज उन्होंने बोला कि इस दुनिया में सब दुनिया के पदार्थ जो हैं उनको भोगो मत और उनको त्यागो भी मत। भोगना भी नहीं चाहिए, त्यागना भी चाहिए। सब चीज़ों को लेकर भगवान की सेवा में जोड़ो। भक्ति मार्ग का मतलब है छोड़ना नहीं, जोड़ना है भगवान से सब चीज़ों को। तुम्हारे पास जो भी हो, तुम्हारे पास बगीचा हो तो गार्डन में एक फूल बनाकर भगवान को फूल चढ़ाओ, इस तरह। तुम्हारे पास फल है, फल चढ़ाओ भगवान के लिए। तुम्हारे पास कपड़े का दुकान है, भगवान के लिए कपड़ा सिला कर दो भगवान को, ऐसे।
तो भगवान की सेवा में जोड़ो सब चीजों को, वो उन्होंने सिखाया। और जाते समय उनको नाम दिया, भगवान का हरिनाम देकर गए। तो ये माँ गुजर जाने के बाद ये बच्चा जंगल में जाकर बैठ कर एक दिन भगवान विष्णु की स्फूर्ति हुई, दर्शन हुई उनको। हंत अस्मिन् जन्मनि भवान् मामाम द्रक्ष्यमि हार्हति अभिपक्पकषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। विष्णु अप्रकट हो गए, पहले प्रकट हुए बाद में अप्रकट हुए। तब बच्चा रोने लगा, हे भगवान आपको एक ही बार देखा मैंने, अब कब आओगे? मैं तो ध्यान में बैठता हूँ, नाम जपता हूँ, लेकिन आते नहीं हो आप किधर हो? तब आकाशवाणी होकर भगवान ने बोला, हे बच्चे इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं मिलेगा। जो लोगों ने अपने चित्त को पूरा शुद्ध नहीं किया है, जिन्होंने सेवा में पूर्ति नहीं प्राप्त किया है, वो लोग मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे लिए मैं सैंपल सोप जैसे थोड़ा दर्शन दे दिया एक बार, लेकिन वापस मेरा दर्शन चाहते हो तो तुम मेरा भक्ति करते जाओ, अगले जन्म में मेरे महान भक्त बनोगे तुम। ऐसे आकाशवाणी में के रूप में बोलकर भगवान अप्रकट हो गए। ये लड़का खुश हो गया, कम से कम भगवान ने वाणी के द्वारा उपदेश दे दिया मुझे। खुश होकर उधर से हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वरम, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, इससे अलग अलग तीर्थ स्थानों में तीर्थाटन करने लगा है लड़का। हाँ, और करते करते दिव्य नदियों में नहाता था, गोपुरम को देखता था, चक्र को देखता था, दंडवत करता था, भगवान की लीला कथाओं का स्मरण श्रवण करता था, स्मरण करता था। इसे करते 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 उसको बुढ़ापा आ गया। एक दिन अचानक उसको उसका देहांत हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, उसका देहांत होते ही तत्क्षण उसको नारद जी का शरीर प्राप्त हो गया। और यही बना कौन? नारद। उसका तीन जन्म, पहले जन्म में बना था उपबरहड नाम का एक गंधर्व, दूसरे जन्म में बना दासीपुत्र, तीसरे जन्म में बना नारद। नारद का शरीर मिलते ही भगवान उसने बुलाया उनको, आओ मेरे पास। तो अपने ही वीणा को भगवान ने उनको दिया। किसको? नारद जी को दिया। देवदत्ताम ये माम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्चयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। ऐसे नारद खुद ही बोलते हैं, अपने ही वीणा को भगवान ने मुझे दिया और बोला कि सरिगम बदने से गाते हुए भगवान हरि का कीर्तन करते हुए तुम अलग अलग लोकों में जाओ नारद, कभी भूलोक में, कभी स्वर्ग में, कभी वैकुंठ में, कहीं भी तुम जा सकते हो, तुमको 100% स्वतंत्र है। कहीं भी विचरण करके तुम प्रचार करके लोगों को मेरे पास भक्ति में जोड़ सकते हो। अच्छा आशीर्वाद देकर भगवान ने भेजा मुझे। तब नारद ने वेदव्यास को बोला, हे वेदव्यास, हे प्रिय शिष्य, तुमको एक ही चीज़ करना है। इतने तुमने पुराण, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण लिखने के बाद भी तुम असंतुष्ट हो, क्योंकि भगवान हरि की गुणगान तुमने भरपूर नहीं किया है। लेकिन अभी एक भागवत ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान हरि की गुणगान होगा 100%, दूसरा कुछ नहीं होगा उसमें। किसी भी तरह का भौतिक हेतुओं को प्राप्त करने की बात उसमें मत बताओ। भागवत में इतना ही बताओ, भगवान हरि के श्री चरणों को कैसे प्राप्त करना, भगवान के धाम कैसे लौटना, इसके बारे में सिखा दो लीलाओं के द्वारा। तब नारद ने बोला कि कलयुग के संसार में लोटपोटने वाले, तकलीफ में जीने वाले जीवों के लिए एक नाव है। बोला उन्होंने, क्या नाव है? ये तदातुर चित्ताना मात्रा स्पर्शे चया मुहु पप सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्या अनुवर्णनम। बोला उन्होंने, हरि की कीर्तन, हरि की कथा, ये दो चीजों का नाव जो है वो सब जीवों को संसार सागर को पार करके भगवत धाम में लेके जाएगा, जो समुद्र के किनारा है उधर तक लेके जाएगा। इसलिए हरि कीर्तन, हरि कथा ही कलयुग के लिए श्रेष्ठतम धर्म है। तो नारद ने बोला, इसको सिखाओ तुम भागवत में। इसलिए भागवत में आप देखेंगे सब कथाएं जो होते हैं, जैसे अजामिल की कथा, उसमें हरिनाम की महत्ता बताया गया है। बड़े गजेंद्र मोक्ष की कथा, उधर भी नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते ऐसे नाम लेकर उसने शरण लिया गजेंद्र भी, ऐसे आप देखेंगे। तो इस तरह परीक्षित खुद हरिकथा श्रवण करके 7 दिन में वैकुंठ की गमन हुआ उनका। और नारद मुनि की कथा श्रवण करके प्रहलाद माँ के गर्भ में ही भक्त बना। ऐसे इस तरह आप देखेंगे भागवत ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप लोग, मैंने सुना कि अनेक लोग सोलहमाला भी करते हो। कितने लोग सोलहमाला करते हैं इधर? पहले कर रहे हैं, बहुत लोग आप सब कर रहे हो। तो आप लोगों के पास जरूर भागवत होना चाहिए, और रोज कम से कम 1-2 पेज पढ़ना चाहिए। 1 पेज पढ़ने के लिए 5 मिनट, 1-2 पेज पढ़ना मुश्किल नहीं है। आप सोचेंगे इतने बड़े बड़े मोटे वॉल्यूम्स हैं, ऐसे मत सोचिए।
एक एक पढ़ते जाइए, धीरे धीरे पूरा हो जाएगा वो। हाँ, लेकिन आपको पढ़ने के बाद रुचि आ गया तो एक ही दिन में आप 20-25 पेज भी पढ़ लोगे आप, उसमें गलत नहीं, पढ़ सकते हैं। लेकिन कम से कम एक दो पेज पढ़ना रोज। लेकिन रोज देखिए, हम लोग रोज दान सफाई करते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं करेंगे तो क्या होगा? बास निकलेगा। इस तरह नहीं नहाएंगे तो पसीना छूटेगा शरीर से। इस तरह हम नाम जप नहीं करेंगे तो हमारे मन से बास निकलेगा। कैसे पता? हम चिल्लाएंगे लोगों के ऊपर, टूट पड़ेंगे, काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा। काम क्रोध लोभ के बास जो है उसको निकालना हो तो हरिनाम जप, हरिकथा की श्रवण, ये दो चीज तो अनिवार्य है, हरेक मनुष्य को करना ही चाहिए इसको। तो ये विषय बहुत गुड विषय है, मैं सरल तरीके से आपको बताया। आपके पास प्रभुपाद जी की छोटे किताबें हैं, मीडियम साइज किताबें हैं, बड़े किताबें हैं, गीता है, भागवत है। तो भागवत पढ़कर श्रवण करके आप लोग जीवन जीवन में लाभान्वित हो जाइए। एक छोटी कथा बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे, ठीक है? लास्ट में एक बड़े डकैतों का परिवार था। बड़े दादाजी थे, बड़े टर्बन पहनते थे वो। पहनकर सब अपने बेटे पोते सबको बुलाकर एक मीटिंग लिया उन्होंने। बोला कि अरे परिवार के सब सदस्यों, ध्यान से सुनो, इस देश में हमारे जैसे बड़ा डकैती का परिवार कहीं भी नहीं है। हमारे परिवार में लगभग 20-25 डकैत हैं, इसलिए हम सबसे बड़े महान लोग हैं हम लोग। तो वो बता रहे थे, लेकिन एक विषय ध्यान से सुन लो, कभी भी भागवत के सप्ताह में मत जाना, भागवत की कथा मत सुनना। हमने सुना है कि भागवत सुनने से बड़ा खतरा है हम लोगों के लिए। क्यों? जो डकैती कर रहे हैं डकैती छोड़ देंगे वो, इसलिए आप लोग कभी मत सुना, उन्होंने ऐसे उपदेश दिया। एक छोटा लड़का भी सुन लिया उसने। तो उसके बाद एक दिन वो सड़क में जाते जाते उधर एक बोर्ड लगाया था भागवत सप्ताह करके, और ऐसा आवाज जोर से आवाज निकल रहा था भागवत का। वो सड़क पार करके जाते समय उनका लड़का था, वो 18 वर्ष का लड़का था उनकी डकैत परिवार के। वो बोला कि दादाजी ने बोला है भागवत नहीं सुनना चाहिए। उसने कान बंद कर लिया ऐसे। लेकिन ऐसे चलते समय जब वो हॉल के सामने आया, देखा कि वक्ता बैठकर बात कर रहे थे, हजारों लोग बैठे थे उधर। देखा फिर भी उसने बोला, उसने सोचा कि मैं सुनूंगा नहीं, कान बंद कर लिया था। लेकिन सीधा उधर पहुंचने के बाद ये कांटा चुप गया उनके पाँव में, हा करके कांटा को निकाला। लेकिन कांटा को निकलने के पहले कुछ दो शब्द चले गए उसके कान के अंदर। आगे गया वो, आगे जाकर एक रानी, रानी की जो आभूषण थी उसको लूट लिया। वो तो किनारे में रखा था उन्होंने, अपने सहयोली के साथ नहा रही थी वो लूट करके लेके चला गया। बाद में राजा को रानी ने बोला कि मेरा बड़ा नेकलेस गुम गया, मेरे फ्रेंड ने दिया था मुझे, वो नेकलेस चाहिए। राजा ने बोला चिंता मत करो, मैं दूसरा खरीद कर दूंगा तुमको। वो बोली मुझे दूसरा नहीं चाहिए, वो ही चाहिए, क्योंकि बहुत मेरे लिए फेवरेट थी वो। मेरे फ्रेंड पूछेगी किधर गया है नेकलेस, क्या बोलूंगी मैं, वो ही चाहिए। राजा ने डम 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 करके अनाउंस करने के लिए बोला है, डमरू बजाकर अनाउंसमेंट होगी कि जो लाएगा वो नेकलेस उनको 1,00,000 रुपया पुरस्कार मिलेगा। तो साहब लोग ढूंढ रहे थे नेकलेस को। तो तब किसी ने राजा को बोला था कि ये लड़का घूम रहा था उस तालाब के निकट, हो सकता है शायद उसने क्या होगा। तुरंत राजा ने उस उनको लड़की को पकड़ कर जेल में डाल दिया। लड़के ने बोला मैं किया नहीं, फिर भी राजा ने डाल दिया उसको जेल में, बाद में पूछताछ करेंगे करके। तो उस समय क्या हुआ, एक बहुरूपिया आई थी। एक बहुरूपिया नाम, बहुरूपिया का मतलब वो जो लोग फैशन बदलते हैं ना, अलग अलग कपड़े ऐसे। तो राजा ने बोला बहुरूपिया को, मुझे मदद कर सकते हो क्या? एक लड़का है जेल में, आप पहचानो क्या? अगर वो चोर है मान लेता तो मुझे पता हो। तो 12 बजे क्या किया बहुरूपिया ने, अपने आप को एक दुर्गा का रूप वेशभूष बदल कर, दुर्गा माता जैसे मुकुट कुंडल और अनेक हाथों को रख कर ऐसे वो जब सो रहा था करके उन्होंने ऐसे उसके समक्ष प्रकट हुई दुर्गा माता के रूप में बहुरूपिया। तो लाइट ऑन हो गया तो लड़का उठ गया, हो माते आप दुर्गा आई हो, हमारे दादाजी आपकी पूजा करते थे। तुरंत दंडवत प्रणाम किया उसने। तब उठने के बाद दुर्गा माता ने पूछा, हे वत्स बता दो तुमने चोरी किया कि नहीं, वो रानी की जो आभूषण, ऐसे पूछा। तब बहुरूपिया ने सोचा कि मैं सत्य बात बोल दूंगा तो हमारा गर्दन कट जाएगा राजा से, क्या किया जाए।
तब उसको एक अद्भुत चीज याद आया। तो कुछ दिनों के 2-3 दिन पहले उसने जो भागवत सत्र में अपने कान खोल कर सुना था, क्या सुना मालूम है आपको? वो वक्ता बोल रहे थे कि स्वर्गलोक में देवता लोग उनका पांव जमीन को छूता नहीं और उनके जो हार पहनते हैं वो कभी मुरझाए फूल नहीं होता, हो ताजा ही रहता हो, और उनके पलक झपकते नहीं और उनके परछाई भूमि में नहीं गिरता, उनके कपड़ा एकदम साफ सुथरा रहता है, वो एकदम खूबसूरत होते हैं। ये सब सुना था उन्होंने देवताओं के बारे में। अभी देखा कि बहुरी पे जब खड़ा था, देखे कि उनका छाया नीचे गिरा है, तुरंत उसके मन में विचार आया कि शायद ये दुर्गा नहीं है, और पाँव भी जमीन को स्पर्श कर रहा है, तुरंत समझ गया कि शायद नहीं है। देखे कि बोलते बोलते बीच में पलक झपक रही है, तो उसको समझ में आ गया कि ये दुर्गा नहीं हो सकती, कोई तो नाटक कर रही है। तो उन्होंने बोला, नहीं माते, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने नहीं किया, बार बार वही बोला। तो बहुरी पे चला गया, राजा को बोला कि ये चोर ये नहीं है, छोड़ दो उसको। तो राजा ने छोड़ ही दिया उसको। तो घर जाते जाते लड़का ने सोचा, अरे भागवत को 3 मिनट सुना मैंने, 3 मिनट सुनने से हमारा गर्दन बच गया, अगर हम 7 दिन सुनेंगे तो कितना लाभ होगा, ऐसे सोचा उसने। तुरंत अगले दिन 5वां दिन था, तो 5वां, 6ठा, 7वां दिन सुना, 3 दिन का भागवत सुनकर इतना प्रसन्न हो गया, तुरंत हरे कृष्ण जप करने के लिए माला भी ले लिया उसने, तो माला जप चालू हो गया। तो 3 दिन कथा सुनने के बाद समझ गया कि डकैती नहीं करना चाहिए, सब धन दौलत किसका है, भगवान कृष्ण के हैं सब कुछ, और भगवान कृष्ण ने अलग अलग जीवों को जो दिया है हमें चोरी नहीं करना चाहिए। घर में आकर बोला दादाजी को, दादाजी आज से हम चोरी नहीं करेंगे। तो दादाजी ने पूछा कारण क्या है, वो बोला क्या क्या हुआ, अरे मैंने बोला तुमको नहीं सुनना चाहिए भागवत, तो सुधर गया तुम, सुधर गए तो चोरी कैसे करोगे बेटा, पूछा उन्होंने। वो बोला हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम निकल रहे हैं अभी। वो दूसरे घर में रहकर हर तिलक पाना, कंठीमाला पाना, जप किया, शुद्ध भक्त बना हो। इस तरह हम लोग भी भागवत थोड़ा भी सुन लेते हैं, 3 मिनट 4 मिनट भी। इसे मैं बोला आपको, कितना मिनट बोला मैंने आपको, 5 मिनट रोज, वो 3 मिनट से इतना लाभ प्राप्त हो उसको, हम लोग 5 मिनट पढ़ के भी लाभ होगा हम रोज एक पेज पढ़। कितने लोग एक पेज कम से कम पढ़ सकते हैं भागवत रोज, ठीक है, करके देखिए, लाभ नहीं होता तो मुझे बोलिए, अगले बार मैं जब आऊंगा, ठीक है। श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज, श्रीमद भागवतम की, और भक्त वृंद की, कृष्ण भगवान की, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। हम 2 मिनट कीर्तन कर सकते हैं, 2 मिनट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एवरीबडी टुगेदर कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे hare krishna ekam krishna hare 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 ram hare ram 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 hare hare Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannatha. Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatu Me Jagannatha Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram Nittai Gauranga Jaya Nittai Gauranga Nittai Gauranga Jaya Nittai Gauranga Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 పావన హరినామ సంకీర్తనకి అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రా మహారాణికి శ్రీ శ్రీ గౌర నితాయికి నితాయ గౌర ప్రేమానందే హరి హరి బోల్.
and the saintly kings understood it in that way. Formerly knowledge was passed down by great saintly kings. Matchless gift mein aadmi baith ke kya pad kya raha hai. In previous ages, matchless gift mein matchless gift. Great learned scholars. Kamal hai yaar, aadmi padhta kaise itna. They were not ordinary. Thoda pareshan karte hain. Government which they handled worked very nicely. There are many instances in Vedic civilization of Hare Krishna. हरे कृष्णा चक्कर भारती प्रभु, आप चक्कर लगाते लगाते यहाँ पहुँच गए। हमारा काम ही है चक्कर लगाना। हरे कृष्णा और क्या पढ़ रहे हो प्रभु जी? ये प्रभुपाद जी का छोटा पुस्तक मैचलेस गिफ्ट। और ये आपके दुकान में नया कुछ है? नया प्रभु जी, एक ये बैक टू गॉडेड का इंटरनेशनल एडिशन आया है। बैक टू गॉडेड जिस दिन बनता है उस दिन इंटरनेशनल नेशनल दोनों मेरे सब्सक्रिप्शन मेरे घर पे आते हैं। अच्छा, आपके घर पे आते हैं प्रभु? अरे घर पे आते हैं। बहुत बढ़िया बात है। और एक ये प्रभुपाद जी के टीचिंग से एक और फाइंडिंग अवर लॉस्ट हैप्पीनेस एक था। जिस दिन रिलीज हुआ था बीबीटी से मंगाया था। अरे बोल प्रभु जी, आपका बीबीटी तक कॉन्टेक्ट है? सब एकदम डायरेक्ट। तो इसके अलावा फिर नया एक एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल श्याम सुंदर प्रभु ने एक चेजिंग द राइनोस करके किताब इंडिया में रिलीज नहीं हुआ था, उससे पहले मैंने सब्सक्राइब कर लिया था, घर पे आया था डायरेक्टली। प्रभु जी आपके इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स भी हैं? हरी हरी। तो प्रभु जी आपके पास कितना किताब है प्रभु जी? ऐसा लगता है कि सारा बीबीटी से ज्यादा आपके घर बुक्स हैं। तीन, कितना बोलो, 1 2 3 तीन, नहीं तीन, थ्री, हाँ तीन अलमारी बड़े बड़े फुल है। हरी बोल, क्या बात है प्रभु जी। एक किताब और आया, ओशन ऑफ मर्सी, वो हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज का। वृंदावन में जिस दिन पहला लॉट आया था उस दिन पहले लॉट से मेरे को कॉपी मिली। हरी बोल प्रभु जी, मुझे लगता है कि ये शास्त्र तो आपके रोम रोम में बस गए होंगे। आप हर रोज दो तीन घंटे आप पुस्तक पढ़ते होंगे। बहुत बढ़िया प्रभु जी, इतनी सारी पुस्तक हैं। हमने तो सुना था कि सिर्फ प्रभुपाद जी की पुस्तक ही यदि आप रोज पढ़ेंगे तो कई साल लग जाएंगे पूरा होने में। आप तो इतनी सारी तीन बड़ा बड़ा अलमीरा फूल है प्रभु जी। नहीं, 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 रोज दो तीन घंटा तो पढ़ते होंगे ना? नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। पढ़ाई नहीं होता है। नहीं पढ़ाई नहीं होता है। तो फिर उस पुस्तक का ज्ञान आपके अंदर जाता कैसे? सुबह जप करते समय अलमारी के सामने बैठ के जप कर लेता हूँ, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाता है, जप एकदम सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह निकलता है। तो मतलब सामने बैठने से सारा ज्ञान अपने आप आपके अंदर आ जाता है? कंडक्शन। ये फिजिक्स नहीं पढ़े यार तुम, सॉरी प्रभु जी, मैं बायोलॉजी साइंस से। हाँ वही, ठीक से पढ़ा करो फिजिक्स, ठीक से पढ़ा करो। कंडक्शन में आ जाता है वाइब्रेशन, और काम में निकलने बहुत मेहनत करता हूँ भाई। काम में निकलने से पहले दो बार दंडवत करके निकलता हूँ तीनों अलमारी को। हरी बोल, क्या डेडिकेशन है। फीलिंग आ जाता है, बुक्स है, फीलिंग है। बाकी पढ़ लूंगा जब रिटायर करूंगा तो एक एक किताब को पढ़ूंगा। हरी बोल, तो प्रभु जी आपको तो बहुत अच्छा नींद आता होगा ना, इतना मेहनत करते हैं। यही तो बस प्रॉब्लम है, नींद ही नहीं आता है। मेहनत करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लेकिन जब तक वो अमृतांजन नहीं लगाओ ना, नींद नहीं आता। प्रभु जी अमृतांजन आपके लिए। तो प्रभु जी, लेकिन मैंने तो, आप एक बार मुझे बता रहे थे कि जब आपके हाथ में नॉवल आया करता था तो आप 4-5 घंटे एक ही नॉवल में लगा दिया करते थे। तो अब ये शास्त्रों को पढ़ने में क्या परेशानी आ रही है? वो आपको किसने बताया प्रभु जी? शायद आपने, आपके किसी अच्छे मित्र ने बता दिया होगा। बात तो सही है, वो नॉवल में वो किक आता है ना प्रभु, मजा आता है, इंटरेस्ट जगता है, एकदम अट्रैक्शन लगता है, तो नींद कहाँ भाग जाती है, रात रात निकल जाता है नॉवल पढ़ते। एक नॉवल को 3 दिन में खत्म करता हूँ, 3 दिन में। और प्रभु जी जब शास्त्र आते हैं तो क्या होता है? नींद आ जाती है। तो प्रभु जी फिर क्या करें? अब मैंने देखो, जो नॉवल पढ़ता हूँ ना उसमें खुद की फीलिंग आती है, वो जो हीरो हीरोइन होते हैं ना उसके साथ खुद को रिलेट कर पाता हूँ। बाकी जब शास्त्र पढ़ता हूँ तो वो अट्रैक्शन, वो रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, तो इसीलिए वो जगना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, आप, मैं देख रहा था लंबे टाइम तक पढ़ रहे थे, ये इंटरेस्ट कैसे जगता है यार आपका? प्रभु जी वास्तव में मुझे भी वही परेशानी थी जो आपको है, है? लेकिन फिर एक बार मैं एक जगन्नाथ मंदिर में जाके मैंने एक लेक्चर सुना, है? वहां पर एक प्रभु जी आए थे, हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु। अच्छा, तो वो इस बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार हमारी शास्त्रों में रुचि बढ़े।
प्रभु जी उन्होंने क्या बताया कि श्रीमद् भागवतम उसको यदि आप थोड़ा थोड़ा भी रोज पढ़ोगे ना हृदय का मैल चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके अंदर पुस्तक उसको पूरा पढ़ने की रुचि आ जाएगी प्रभु जी। अच्छा, मैंने वो धीरे धीरे सफाई करने वाला धीरे धीरे सफाई कर देता है। अच्छा अच्छा प्रभु अच्छा। जी तब से मेरे अंदर भी रुचि आ गई। आप चाहिए तो मैं आपको वो लेक्चर भेजूंगा। भेजो भेजो जरूर। मैंने मतलब ये समझ में आ रहा है कि मैल धीरे धीरे साफ करते करते पूरा मैल साफ हो जाएगा, फिर वो इंटरेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर आज से हम भी लगेंगे कि भाई एक थोड़ा थोड़ा समय तो लगाएंगे, टाइम लगाएंगे तुम्हारे को। आप सभी लोग लगाएंगे, पक्का लगाएंगे? जरा हाथ उठा के हरि बोल बोलिए। हाय बोल प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद हरे कृष्ण।